लाइफ एक सफर है जहां हम बड़े होते हैं, सीखते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमें पछतावा होता है। ये अनुभव दर्दनाक तो होते हैं, लेकिन ये हमें गहरी पश्चाताप का मौका भी देते हैं। गहरी पश्चाताप खुद को समझने और बदलने की एक गहरी प्रक्रिया है। ये एक अंदरूनी सफर है जो हमें आत्मज्ञान और पूर्णता की ओर ले जाता है। बहुत सी आध्यात्मिक परंपराएं पश्चाताप के महत्व पर जोर देती हैं। ये सिर्फ अपने किए पर दुखी होने के बारे में नहीं है, ये अपनी कमियों का ईमानदारी से सामना करने और उन्हें सुधारने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करने के बारे में है। ये प्रक्रिया हमें पिछली नकारात्मकता से मुक्त कराती है। ये हमें ज्यादा सच्चाई और उद्देश्य के साथ जीने का अधिकार देती है। गहरी पश्चाताप खुद से प्यार करने का एक साहसिक कार्य है। अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करके ही हम ठीक होना और बढ़ना शुरू कर सकते हैं। इस सफर के लिए जरूरी है कि हम अपनी कमजोरियों को अपनाएं। यह हमें ईमानदारी और करुणा से अपने अंदर झांकने के लिए कहता है। अंततः गहरी पश्चाताप बदलाव की हमारी जन्मजात क्षमता का प्रमाण है। गहरी पश्चाताप की ओर पहला कदम है स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, खुद को और उन लोगों को भी जिन्हें हमने नुकसान पहुंचाया है। ये अपराध बोध या शर्मिंदगी में डूबे रहने के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्पष्टता और साहस के साथ अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। जब हम स्वीकार करते हैं तो हम अपने अंदर के अंधेरे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। पर्दाफाश करने का ये कार्य कष्टदायक हो सकता है, फिर भी ये अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक है। अपनी सच्चाई बोलकर हम अपनी गलतियों का बोझ कम करना शुरू कर देते हैं। यह हमें अधिक आत्म जागरूकता और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। स्वीकारोक्ति एक पवित्र कार्य है, इसके लिए संवेदनशीलता और अपनी संपूर्णता में देखे जाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। चाहे हम किसी भरोसेमंद दोस्त, आध्यात्मिक सलाहकार या सिर्फ खुद को अपनी गलती स्वीकार करें, अपने गलत काम को स्वीकार करना उपचार की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। एक बार जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित में उन नुकसानों की भरपाई के लिए ठोस कदम उठाना शामिल है जो हमने पहुंचाए हैं। इसमें उन लोगों से माफी मांगना शामिल हो सकता है जिन्हें हमने चोट पहुंचाई है, या भविष्य में अलग चुनाव करने के लिए खुद को वचन देना शामिल हो सकता है। यह हमारे कार्यों और दूसरों पर उनके प्रभाव की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। प्रायश्चित के कृत्यों के माध्यम से हम अपने द्वारा किए गए नुकसान की मरम्मत शुरू करते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और सुलह की भावना का अनुभव करने की अनुमति देता है। नवीनीकरण, बदलाव की रोशनी में कदम रखना। गहरी पश्चाताप नवीनीकरण में परिणत होता है। यह एक परिवर्तनकारी अवस्था है जहां हम इस प्रक्रिया से उद्देश्य और दिशा की एक नई भावना के साथ उभरते हैं। हमने अपनी परछाइयों का सामना किया है, अपने कार्यों की जिम्मेदारी ली है और अपने उच्चतम मूल्यों के साथ संरेखण में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नवीनीकरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए सचेत प्रयास और बदलाव को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। हमें सक्रिय रूप से नई आदतों, विश्वासों और व्यवहारों को विकसित करना चाहिए जो हमारे विकास और भलाई का समर्थन करते हैं। यह आत्मखोज और विकास की एक सतत यात्रा है। जैसे जैसे हम पश्चाताप के माध्यम से सीखे गए पाठों को आत्मसात करते हैं, हम स्वयं के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ अपने रिश्ते में एक गहरा बदलाव अनुभव करते हैं। हम हल्का, मुक्त और अपने वास्तविक स्वरूप से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। यह आंतरिक परिवर्तन बाहर की ओर फैलता है, जो हमारे संबंधों, हमारे काम और जीवन के हमारे समग्र अनुभव को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। परंपराओं में परिलक्षित क्षमा के लिए एक सार्वभौमिक खोज। गहरी पश्चाताप की अवधारणा कई आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं के ताने बाने में बुनी गई है। जबकि विशिष्ट प्रथाएं भिन्न हो सकती हैं, अंतर्निहित सिद्धांत उल्लेखनीय रूप से सुसंगत हैं। ईसाई परंपरा में स्वीकारोक्ति और ईश्वर की क्षमा मांगने से लेकर बौद्ध धर्म में नुकसान को स्वीकार करने और करुणा पैदा करने के अभ्यास तक पश्चाताप का सार सार्वभौमिक है। इस्लाम में पश्चाताप या तौबा को आस्था का एक मूलभूत स्तंभ माना जाता है। इसी प्रकार हिंदू धर्म में कर्म की अवधारणा हमारे कार्यों और उनके परिणामों की अंतर संबंधिता पर प्रकाश डालती है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हमारी मान्यताओं या पृष्ठभूमि के बावजूद हम सभी में अपनी गलतियों को स्वीकार करने, क्षमा मांगने और अपने जीवन को बदलने की क्षमता है।
पूर्णता का मार्ग पश्चाताप को अपनाना, खुद को अपनाना। गहरी पश्चाताप कमजोरी की निशानी नहीं है, यह हमारी ताकत और लचीलापन का प्रमाण है। अपनी कमियों का सामना करने से ही हमें विकास और परिवर्तन की अपनी वास्तविक क्षमता का पता चलता है। पश्चाताप खुद को स्वीकार करने का एक कट्टरपंथी कृत्य है। यह अधिक ज्ञान, करुणा और सत्यनिष्ठा के साथ स्वयं की ओर लौटने की यात्रा है। जैसे जैसे हम पश्चाताप की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाते हैं, हम उपचार और पूर्णता के मार्ग पर चल पड़ते हैं। हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीखते हैं। हम अधिक आत्म जागरूकता पैदा करते हैं और सभी प्राणियों के साथ अपने जुड़ाव की गहरी समझ विकसित करते हैं। गहरी पश्चाताप कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जीवन भर की यात्रा है। यह आत्मचिंतन, विकास और नवीनीकरण की एक सतत प्रक्रिया है। अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करके और अपने उच्चतम मूल्यों के साथ संरेखण में जीने का प्रयास करके हम अपने भीतर निहित असीम क्षमता को अनलॉक करते हैं जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है।